Hello dear student, in this lecture video we discuss about ionic equilibrium. Topic is solubility of salts. ये chapter है ionic equilibrium. आयनिक इक्विलिब्रियम का टॉपिक है और सॉल्युबिलिटी ऑफ साल्ट इसमें पढ़ने वाले हैं. सॉल्युबिलिटी ऑफ साल्ट पढ़ने से पहले हम लोग ये समझेंगे जो साल्ट होता है इसको जैसे ही हम वाटर में डालेंगे तो ये सॉल्युबल होने लगता है. इसका मतलब ये सॉल्युबिलिटी होती है और जैसे ही सॉल्युबिलिटी होगी तो ये साल्ट क्या हो जाएगा, आयनाइजेशन होने लगेगा. आयनाइजेशन होने लगेगा और ये साल्ट आयनाइज होने लगेगा तो इसके बाद आयनाइजेशन के बाद हम लोग देखेंगे हाइड्रोलिसिस. इसको अच्छे से समझ लेते हैं. कोई भी साल्ट होगा जैसे ही वाटर में डालेंगे वो सलूबल होगा कि नहीं होगा. अगर वो सलूबल होगा तो उसके बाद हम लोग जानते हैं कि कोई भी साल्ट होता है, जो साल्ट होते हैं वो साल्ट स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं. स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट होगा इसका मतलब ये है कि कोई भी साल्ट होगा अगर वो सलूबल होगा वाटर में तो 100% क्या हो जाएगा, टूट जाएगा. 100% टूट जाएगा इसका मतलब वो आयनाइज हो जाएगा. तो आयनाइजेशन के लिए ज़रूरी है साल्ट का वाटर में डिजॉल्व होना, दैट इज सॉल्युबिलिटी का होना, उस साल्ट का सॉल्युबिलिटी का होना. अगर सॉल्युबल साल्ट नहीं है, इनसॉल्युबल साल्ट है, तो बताइए उसका आयनाइजेशन क्या होगा, नहीं होगा या बहुत स्मॉल फ्रैक्शन में होगा उसका आयनाइजेशन. तो जितना वो साल्ट उस वाटर में डिजॉल्व होगा उतना ही आयनाइजेशन होगा. और आयनाइजेशन होगा इसके बाद हम लोग देखेंगे तो वो जो आयन्स हैं वो वाटर से रिएक्शन करते हैं कि नहीं करते हैं. जैसे एग्जांपल है, जैसे NaCl है, NaCl वाटर में जा करके Na+ + Cl- देता है. लेकिन वाटर में पूरी तरह से डिजॉल्व वाटर जैसे ही NaCl को वाटर में डालेंगे पूरी तरीके से डिजॉल्व हो जाएगा, दैट इज ए सॉल्युबल साल्ट है. और जैसे ही सॉल्युबल साल्ट है तो इसका देखेंगे आयनाइजेशन इसका होता है. ये कम्प्लीटली स्ट्रांग एसिड और बेस का साल्ट है इसलिए कम्प्लीटली क्या हो जाता है, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है. तो ये कम्प्लीटली क्या हो जाएगा, आयन्स में डिसोसिएट हो जाएगा, दैट इज ए इसका आयनाइजेशन हो जाएगा. इसके बाद देखेंगे हाइड्रोलिसिस. इसकी हाइड्रोलिसिस नहीं होती है, ये हाइड्रोलिसिस नहीं करता है, वाटर के साथ इसका रिएक्शन नहीं होगा. लेकिन जैसे CH3COONa इसका देखेंगे, ये जो साल्ट है ये साल्ट सॉल्युबल साल्ट है, इसका आयनाइजेशन होगा CH3COO- + Na+. इसके बाद इसकी हाइड्रोलिसिस होती है और ये वाटर के साथ रिएक्शन करके H2O दैट इज H+ + OH- के साथ रिएक्शन करके ये बना लेता है CH3COOH + NaOH, ये बना लेता है. तो CH3COO- और Na+ इसका आयनाइजेशन होगा. इसके बाद देखेंगे हाइड्रोलिसिस होगी कि नहीं. तो इसकी हाइड्रोलिसिस होगी वाटर के साथ H+ लेकर के CH3COOH दे देगा और वाटर का OH- Na इसके साथ NaOH दे देगा. तो हम लोग देख रहे हैं कि हमको देखना है सबसे पहले कोई भी साल्ट है वो वाटर में सॉल्युबल है कि नहीं है, उसकी सॉल्युबिलिटी है कि नहीं है. इसके बाद वो सॉल्युबल है तो उसका आयनाइजेशन होगा और जो भी सॉल्युबल साल्ट होगा 100% आयनाइजेशन होगा. उसके बाद देखेंगे उसकी हाइड्रोलिसिस होगी कि नहीं होगी. और 2020 और 21 में या CBSE में या हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट या डिलीटेड है, यह टॉपिक डिलीटेड है, इसे नहीं पढ़ना है. तो हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट इस सेशन में नहीं पढ़ेंगे 2020-21 में. कोई भी साल्ट होगा तो या तो वो सॉल्युबल साल्ट होगा, या तो वो इनसॉल्युबल साल्ट होगा. साल्ट दो टाइप के, यदि वाटर में डालने पे सॉल्युबल हो तो सॉल्युबल साल्ट और सॉल्युबल ना हो तो इनसॉल्युबल साल्ट, या इसे हम बोलेंगे स्पायरिंगली सॉल्युबल साल्ट. जो स्पायरिंगली का मतलब जो स्मॉल फ्रैक्शन में
जिसको वाटर में डालने पे बहुत ही स्मॉल फ्रैक्शन में सलूबल होते हैं, वो स्पेरिंगली सलूबल साल्ट या इनसॉल्युबल साल्ट कहलाते हैं। तो स्पेरिंगली सलूबल साल्ट लगभग लगभग उनको हम इनसॉल्युबल साल्ट मानते हैं। तो साल्ट दो टाइप के, सलूबल साल्ट और इनसॉल्युबल साल्ट। साल्ट दो टाइप के, सलूबल साल्ट और इनसॉल्युबल साल्ट। सलूबल साल्ट के सारे एग्जाम्पल हैं NaCl, ये सलूबल साल्ट है। और इनसॉल्युबल साल्ट में AgCl, इनसॉल्युबल साल्ट में एग्जाम्पल है AgCl। AgCl ये वाटर में डालने पे, ये वाटर में डालने पे ये बहुत स्मॉल अमाउंट में सलूबल होता है वाटर में, इसलिए इसको इनसॉल्युबल साल्ट या स्पेरिंगली सलूबल साल्ट कहेंगे। अब ये देखते हैं कि ये कोई भी साल्ट सलूबल कब होता है, कोई भी साल्ट सलूबल कब नहीं होता है। यदि लाइटिस एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी से कम होगी तो क्या होगा, कोई भी साल्ट सलूबल साल्ट होगा। और यदि लाइटिस एनर्जी ज़्यादा होगी हाइड्रेशन एनर्जी से तो साल्ट इनसॉल्युबल साल्ट या स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट होगा। लाइटिस एनर्जी का मतलब, यदि हाइड्रेशन एनर्जी लाइटिस एनर्जी से कम होगी तो सॉल्युबल साल्ट, अगर ज़्यादा होगी लाइटिस एनर्जी ज़्यादा होगी हाइड्रेशन एनर्जी से तो क्या होगा, इनसॉल्युबल साल्ट। मतलब जो साल्ट की जो कंस्टिट्यूएंट आयंस हैं वो एक दूसरे के साथ स्ट्रांगली टाइटली हेल्ड हैं तो साल्ट क्या हो जाएगा, वो इनसॉल्युबल साल्ट या स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट बनेगा, वो वाटर में स्मॉल अमाउंट में डिसोसिएट होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि हम साल्ट को दो कैटेगरी में, सॉल्युबल साल्ट और इनसॉल्युबल साल्ट, तो एग्जांपल है उनके, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हमें बात करते हैं सॉल्युबिलिटी। तो इस जो सॉल्युबल साल्ट होते हैं उनके लिए सॉल्युबिलिटी की बात नहीं करेंगे, जो सॉल्युबल साल्ट होते हैं उनके लिए सॉल्युबिलिटी की बात नहीं करेंगे, क्योंकि उनको वाटर में डालते ही वो क्या हो जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं, सॉल्युबल होते हैं। तो उनके लिए सॉल्युबिलिटी हमें नहीं पढ़ना है, हमें वो जो सॉल्युबिलिटी पढ़ना है, सॉल्युबिलिटी ऑफ इनसॉल्युबल साल्ट, मतलब जो इनसॉल्युबल साल्ट हैं वो कितने फ्रैक्शन में या कितने डिग्री में या कितने अमाउंट में वाटर में सॉल्युबल हैं। नेग्लेक्जिबल अमाउंट में सॉल्युबल होते हैं, इसलिए इनको इनसॉल्युबल साल्ट बोलते हैं, स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट बोलते हैं। तो हमें सॉल्युबिलिटी ऑफ इनसॉल्युबल साल्ट या स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट हम लोग ये पढ़ेंगे। सॉल्युबिलिटी ऑफ इनसॉल्युबल साल्ट या स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट। अब हम लोग सॉल्युबिलिटी इनसॉल्युबल के लिए, तो सबसे पहले इसको देखेंगे क्या होती है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ साल्ट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल डिजॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। कोई भी साल्ट का कितना मोल एक लीटर सॉल्यूशन में डिजॉल्व है, इसके लिए एक एसेंशियल क्राइटेरिया है एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे कितना वो साल्ट डिजॉल्व हुआ है। जैसे जो सॉल्युबल साल्ट होते हैं, सपोज कर लीजिए कि वो, जैसे अगर उनका 100 मोल लें, अगर वो सॉल्युबल साल्ट हैं, अगर उनका 100 ग्राम लें तो इसमें से 10 मोल वो डिजॉल्व हो जाते हैं इक्विलिब्रियम पे। 10 मोल ये डिजॉल्व हो जाते हैं इक्विलिब्रियम पे, 10 मोल डिजॉल्व होते हैं। तो अगर हम बात करेंगे कि जो इक्विलिब्रियम पे ये जो साल्ट है कितना डिजॉल्व हुआ है, इक्विलिब्रियम पे कितना साल्ट डिजॉल्व हुआ है एक लीटर के सॉल्यूशन में, उसी को क्या कहेंगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ इनसॉल्युबल साल्ट आर स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट। तो इसके लिए यूनिट क्या होगी, यूनिट होगी मोल पर लीटर। इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी होगी यूनिट मोल पर लीटर।
और एक नोट इम्पॉर्टेंट, सॉल्युबिलिटी इज डिफाइंड, सॉल्युबिलिटी इज डिफाइंड डिफाइंड एट इक्विलिब्रियम। ये वाला इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि सॉल्युबिलिटी हमें कहाँ देखना है, इक्विलिब्रियम पे देखना है, कि इक्विलिब्रियम पे पहुँच के, इक्विलिब्रियम जो होता है किसी भी साल्ट का जो इक्विलिब्रियम होता है वो मैक्सिमम पॉइंट ऑफ व्यू होता है, इसका मतलब उससे ज़्यादा वो साल्ट डिजॉल्व नहीं होगा। किसके केस में, जैसे जैसे सपोज करिए स्ट्रांग, जैसे हम बात करें सोल्यूबल साल्ट की, जैसे हम बात करें सोल्यूबल साल्ट की, सोल्यूबल साल्ट में मैं एग्जांपल बताया था NaCl, NaCl क्या होता है, Na प्लस प्लस Cl माइनस, ये आयनाइज कर देता है, डिजॉल्व होता है 100% डिजॉल्व हो जाएगा पूरा और ये पूरी तरह से आयनाइज होगा। तो इसके लिए एक एरो बनाएंगे, एक एरो बनाएंगे, इसका मतलब ये है कि ये पूरे आयन्स में बदल जाएगा। लेकिन जैसे इन सोल्यूबल साल्ट या स्पेरिंगली सोल्यूबल साल्ट के लिए हम कैसे बनाएंगे, स्पेरिंगली सोल्यूबल साल्ट में जैसे AgCl है, ये सॉलिड है, तो इसके लिए ये टूट के देगा Ag प्लस प्लस Cl माइनस, तो इसके लिए जो साइन बनाएंगे ये बनाएंगे, इसके लिए साइन रिवर्सिबल साइन बनाएंगे बोथ डायरेक्शन में। और बोथ डायरेक्शन में क्यों बनाएंगे, क्योंकि इसके इक्विलिब्रियम में, ये इक्विलिब्रियम उसके कंपेरिजन में इसका जो इक्विलिब्रियम आता है बहुत कम आता है, इसमें इक्विलिब्रियम नहीं आता है, इसके बीच में दोनों में इक्विलिब्रियम नहीं आता है। तो यहाँ पे अगर इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, जैसे अब इसमें इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, इसकी हम बात करेंगे केवल इक्विलिब्रियम पे, इन सोल्यूबल साल्ट की क्या हम बात करेंगे, सोल्युबिलिटी केवल इक्विलिब्रियम पे बात करेंगे। अब आइए हम लोग इसमें देखते हैं, जैसे AgCl है, AgCl है, ये Ag प्लस वाटर में डिजॉल्व होकर के आयनाइज हो गए, Ag प्लस प्लस Cl माइनस, ये सॉलिड है क्योंकि स्पेरिंगली सोल्यूबल है, बहुत स्मॉल अमाउंट में डिजॉल्व होता है, तो आयनाइज होकर के क्या दे देगा, एक्वस, ये भी एक्वस, तो एक है, ये भी एक देगा, ये भी देगा, 1:1 में है। AgCl आयनाइज होकर के ये दिया, तो सपोज कर लीजिए कि सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इज यस मोल पर लीटर, यदि यस मोल पर लीटर है AgCl की, तो यस मोल पर लीटर ये टूट करके क्या देगा, यस मोल पर लीटर Ag प्लस और यस मोल पर लीटर Cl माइनस देगा। तो इसके लिए K लिखना चाहूँगा, तो K कांस्टेंट K क्या होगा, कि Ag प्लस का कंसंट्रेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, अगर ये भी एक क्वेश्चन में होता है, ये भी एक क्वेश्चन में होता है, तो इसका अपान क्या कर देते, AgCl का कंसंट्रेशन, लेकिन चूंकि ये सॉलिड में है तो सॉलिड को हम क्या करते हैं, के लिखते समय सॉलिड को हम हटा देते हैं, सॉलिड को यूनिटी मानते हैं। तो क्या होगा, तो इसके लिए KSP लिखेंगे, तो KSP क्या है, KSP इज द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ इन स्पेरिंगली सोलूबल साल्ट। तो KSP क्या आएगा, KSP इक्वल टू, इसके लिए कितना है, इसके लिए यस मोल पर लीटर है और Cl के लिए भी यस मोल पर लीटर है, यस इंटू यस, तो KSP क्या आ जाएगा, KSP इक्वल टू यस स्क्वायर, क्या आ जाएगा, यस स्क्वायर। तो आप लोग देख रहे होंगे कि आप लोग ये देखे होंगे कि किस तरीके से कोई भी सॉल्युबिलिटी आप इन सॉल्युबल साल्ट या स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट का कैसे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हम डिटरमाइन करते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, KSP, इसे KSP से डोनेट करते हैं।
तो इस तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।